मनो तिफिंदर में हम देखेंगे जहाँ पर राधिका नौकरानी बनती हुई नजर आ रही है और राधिका यानी कि सुजाता राधिका बन गई है और राधिका सुजाता बन गई है। तो यह रानी बहुत ही शक्ति बरतती हुई नजर आ रही है। अब घर से भी निकाल दिया है नरपत और सरपत ने, सारे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सहना पड़ रहा है इन लोगों को और ये लोग कुछ भी कर भी नहीं पा रहे हैं। राधिका बहुत ही मजबूर है, वो ना चाहते हुए भी यहाँ रानी सीढ़ियों पर पूरा गंदा कर देती है, रंग फेंक देती है, सारा ले आकर पाउडर छीट देती है और कहती है कि राधिका एक सास की तरह तुम ऑर्डर दो ताकि सुजाता जो है इसे साफ करे। नरपत और सरपत बंदूक के बल पर सब कुछ करवा रहे हैं उन सबसे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। कली कहती है मुझे नौकरानी मत बनाइए, मुझे कुछ भी बना दीजिए लेकिन नौकरानी मत बनाइए क्योंकि मैं मुझे हर दो महीने पर सभी लोग नौकरानी बना देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ भी बना। नरपत और सरपत कहते हैं जो बनी हो बनी रहो और अच्छे से खुश रहो, इतने में ही नहीं तो कुछ और बनाने पर आ जाएंगे ना तो घर से भी निकाल देंगे। यहाँ पर सभी लोग थक हार कर जब सुजाता सीढ़ियाँ साफ करती है, राधिका कहती है इनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए, हम इनकी मदद कर देते हैं। नरपत और सरपत कहते हैं बहुत तुम लोगों को चर्बी चढ़ी है, बहुत मदद करने की सोच रही है, तुम लोग जानते नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये खोपड़ी में लगेगा जब बंदूक की गोली तब तुम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर सभी लोग डर के नाते एकदम कांप रहे हैं। दिव्यम कहता है बहुत हो गए इन लोगों की, अब मुझे कुछ भी करके इन सबको बाहर निकालना ही होगा। दिव्यम राधिका कहती है मैं हूँ ना, आप जाइए प्लीज़, आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हमें जो भी करना है मिलकर करना होगा। यहाँ सुजाता कहती है तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है, राधिका को वो ब्लेम करती है क्योंकि सुजाता की तो आदत ही है और वो खुद को नहीं कह रही है क्योंकि वही लाई थी रानी को अपनी बहू बनाकर और उसे बहुत ही अच्छी बहू चाहिए होती ना, लेकिन सुजाता बार बार राधिका को ही ब्लेम करती है और वो इतना होने पर भी ये नहीं बता रही है कि राधिका ने नहीं धक्का दिया था उसके दिव्यम के पिता को। लेकिन सुजाता जो है अपने ही ईगो में मस्त है, वो भले नौकरानी बन चुकी है एकदम काम करके थक चुकी है लेकिन उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब सभी लोग थक हार कर जाते हैं अपने कमरे में आराम करने के लिए तो सभी लोग अपने अपने कमरे में देखते हैं ताला लगा हुआ है, तो ताला देखकर जो है बहुत ही सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी लोग आते हैं वहाँ पर कहते हैं कि हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। दादी कहती है कि तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग ने हमारे जो है हमारे सीधेपन का इतना फ़ायदा उठा रहे हो, तुम लोग अब हमारे ही घर से हमारे ही कमरे से हमें बाहर निकाल रहे हो, भगवान इसका हिसाब ज़रूर करेगा, वो सब देख रहा है। रानी कहती है सुजाता जी और मम्मी जी आपको इतनी ही जो परेशानी हो रही तो आप मेरी शादी दिव्यम जी से क्यों नहीं करवा देती। दिव्यम कहता है मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। सुजाता कहती है कि राधिका ये जो भी हो रहा है वो राधिका कहती है कि कोई बात नहीं। तभी सभी लोग नरपत और सरपत आते हैं, वो लोग कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर नहीं बल्कि उस कमरे में सोओगे, छोटा सा कमरा है उसमें सभी लोगों को रहना होगा। सुजाता कहती है उसमें हम कैसे रहेंगे, वो तो बहुत छोटा है, उसमें गोलमुखी और गोलू जाएंगे तभी वो कमरा भर जाएगा, तो हम कैसे जो है उस कमरे में रह सकेंगे। तभी वो एक जो है फूलदान होता है उसमें कटोरा कटोरी के जैसा उसमें ढक्कन होता है, वो कहता है ये कटोरी लेकर जाओ। और अब यहाँ पर दिव्यम कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, वो उसके पिता को कहता है कि लो ये कटोरा अपने पापा को थमा दो और वो जाकर सड़क पर भीख मांगे। दिव्यम रानी जब दिव्यम जाने लगता है वो कहता है तुम लोग मेरे पापा के बारे में ऐसे बात भी कैसे कर सकते हो, जवान संभाल कर बात करो, उन्हीं के घर में रह के उन्हीं से ऐसे बात कर रहे हो। नरपत और सरपत कहते हैं ये मेरा घर है उनका नहीं, तो तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि उन्हें जो है तकलीफ़ पहुँचे। दिव्यम को कहते हैं तुम भी तब जाओ उसी के साथ। रानी उसे उसका हाथ पकड़ कर रोकती है, कहती है दिव्यम जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप चलिए हमारे कमरे में। राधिका दिव्यम कहता है जहाँ मेरा परिवार रहेगा मैं वहीं रहूँगा, तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। रानी कहती है तो ठीक है आप लोग जाइए। अब राधिका कहती है कि हम किसी भी तरह से हमें तो यहाँ रहना ही होगा। वो कहती है दादी कहती है कि हम इतने छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे, कुछ तो दया करो। सभी लोग कहते हैं तो जितने लोग उस कमरे में रह सकते हैं रहो, नहीं तो जाओ सड़क पर रहो। तो देखते हैं अब राधिका कैसे कब तक इन सबका नाटक ऐसे ही चलेगा, नरपत और सरपत रानी का, क्योंकि इन लोगों के पास पुलिस का नंबर नहीं है, कुछ भी तो कर सकते हैं लेकिन नहीं, सभी लोग उन लोगों की गुलामी कर रहे हैं और क्या वो लोग बंदूक के नोक पर उन लोगों को नहीं नचा सकते हैं। लेकिन इतने मतलब घर में 5-7 लोग हैं लेकिन सब लोग बस उन लोगों का कहा बजा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बंदूक चलाना नहीं आता है,